देंगे मैंने ब्लॉक का वेट दिया है और एक और जगह क्या दिया है ब्लॉक का वेट है हमें दो जगह ब्लॉक के वेट दिए मैंने कि इफ अ ब्लॉक वेट 5 की पावर 2 केजी मतलब कि 5 की पावर क्या 2 केजी हमारे पास क्या है ब्लॉक का वेट है व्हाट वुड बी द वेट ऑफ बॉल बिल्ट विद 4 सच ब्लॉक्स ठीक है ये हमें क्या दिया है ब्लॉक का वेट दिया है लेकिन यहां पर क्या दिया ब्लॉक की वैल्यू दी गई कि ब्लॉक्स हैं कितने हमें कितने ब्लॉक्स दिए 5 पावर 4 और एक ब्लॉक कितना करता है 2 ब्लॉक्स इफ अ ब्लॉक मतलब कि एक ब्लॉक कितना कर रहा है 5 पावर 2 केजी तो हमने को क्या बनाना है दीवार बनानी तो दीवार टोटल वेट कितना होगा हमारे पास ठीक है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका सॉल्व करते हैं इसे तो इसमें क्या होगा सबसे पहले क्या निकालेंगे वेट ऑफ ब्लॉक वेट ऑफ ब्लॉक निकालेंगे तो 5 की पावर 2 केजी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 5 की पावर 2 मतलब कि 5 को मैंने कितनी टाइम्स बोला 2 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 5 इज 25 तो कितना केजी ब्लॉक है मेरे पास 25 केजी का एक ब्लॉक है ठीक है अब क्या है टोटल ब्लॉक्स मतलब कि मेरे पास ब्लॉक्स कितने हैं 5 की पावर 4 अब देखिए 5 की पावर 4 को मैं कैसे खोलूंगा 5 की पावर 4 को खोलें जरा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5 25 25 5 का 125 125 5 का मल्टीप्लाई कराया इससे वो क्या चला आएगा मेरे पास 5 5 का 25 5 इधर और 2 पर कैरी 5 2 का 10 10 और 2 12 5 बंदा 5 और 6 तो क्या आंसर है मेरे पास 625 कितनी ब्लॉक्स है मेरे पास 625 ब्लॉक्स है और एक ब्लॉक कितने केजी की है 25 केजी की है तो अब हम क्या करेंगे वेट ऑफ बॉल जो हमने दीवार बनाई है ब्लॉकों से 625 ब्लॉकों से उसका क्या फाइंड करना है वेट फाइंड करना है अब वेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं कि वेट ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाई बाय टोटल ब्लॉक ठीक है अब वेट ऑफ ब्लॉक्स कितना है मेरे पास 25 केजी तो 25 आ जाएगा मेरे पास और टोटल ब्लॉक्स कितने हैं मेरे पास 625 ठीक है 25 और 625 को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो 625 मेरे पास ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा 5 5 का 25 2 इधर ऊपर कैरी चला गया मेरे पास 5 इधर 10 10 और 2 12 6 5 से 30 और 1 30 क्रॉस आ जाएगा नीचे डबल मल्टीप्लिकेशन है हमेशा इसको रूल होता है कि पहली बार ये नीचे कर रहा था क्रॉस 2 5 का 10 1 ऊपर 2 टू द 4 1 5 26 का 12 इसको प्लस करें 5 आ गया 2 में 0 प्लस किया तो 2 आ जाएगा 5 और 1 6 3 और 2 5 और 1 का 1 आ गया तो क्या आंसर आया मेरे पास वेट ऑफ बॉल कितना है दीवार की वेट कितनी है मेरे पास 1 5 6 2 5 8 वेट कैसे करें तो केजी इसका यूनिट लिखना लाजमी है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर ठीक है तो इसी तरह हमारी चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुकी है मैथ का सारी चीज मैंने आपको समझा दी तो आप लोगों ने सारा काम अपने वेकेशन वर्क में नीट एंड क्लीन करके टाइटल बना के और मार्जिन करके करना है ठीक है